हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पटल पर। आइए आज जानते हैं 1000 वर्ष पुराने बृहदेश्वर मंदिर की, जो कि तंजावुर शहर तमिलनाडु में स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यह दुनिया में पहला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच हुआ था। यह मंदिर 13 मंजिल ऊंचा है और इसकी ऊंचाई 66 मीटर है। यह मंदिर 16 फीट ऊंचे ठोस चबूतरे पर बना हुआ है। भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम ने स्वप्न में दैवी प्रेरणा प्राप्त होने पर करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर में लेखों के अनुसार मंदिर के मुख्य वास्तुविद कुंजर मल्लन राजराज पेरुंथचन थे, जिनके खानदान के लोग आज भी वास्तुशास्त्र और आर्किटेक्चर का कार्य करते हैं। चोल शासकों ने इस मंदिर को राजराजेश्वर नाम दिया था, परंतु तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर को बृहदेश्वर नाम दिया। इस मंदिर के आराध्य देव भगवान शिव हैं। भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। मुख्य मंदिर के अंदर 12 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जो अद्भुत है और यह द्रविड़ वास्तुकला का बहुत अद्वितीय उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य मंदिर और गोपुरम निर्माण की शुरू से यानी 11वीं सदी के बने हुए हैं। इसके बाद मंदिर का कई बार निर्माण और जीर्णोद्धार और मरम्मत होती रही है। मुगलों के आक्रमण के समय, तोड़फोड़ के समय मंदिर को क्षति हुई। उन्होंने बहुत प्रयास किया मंदिर को नष्ट करने का, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में जब हिंदू राजाओं ने पुनः इस क्षेत्र को जीत लिया, तो उन्होंने इस मंदिर को पुनर्निर्माण कराया, कुछ अन्य निर्माण भी कार्य भी करवाए। बाद के राजाओं ने मंदिर की दीवारों पर पुराने पड़ रहे चित्रों को पुनः रंग करवा के उसे संवारा। मंदिर में कार्तिकेय भगवान यानी मुरुगन स्वामी, माँ पार्वती यानी अम्मन के मंदिर, नंदी की मूर्ति का निर्माण 16वीं-17वीं सदी में नायक राजाओं ने कराया है। मंदिर में संस्कृत भाषा और तमिल भाषा के कई पुरालेख भी उत्कीर्ण हैं। बृहदेश्वर मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर ऐसे बनाया गया है कि इसके शिखर यानी गुम्बद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। इसके शिखर पर लगे हुए पत्थर कुम्भम का वजन 80,000 किलो है, जो कि एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, जो कि आज के समय में भी बहुत मुश्किल कार्य है। मंदिर के शिखर तक 80 टन वजनी पत्थर कैसे ले जाया गया, आज तक यह रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 1.5 किलोमीटर लंबा एक रैंप बनाया गया था, जिस पर इंच दर इंच खिसकाते हुए इसे मंदिर के शिखर पर ले जाया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो का अंत तक जरूर देखें। बृहदेश्वर मंदिर को बनाने में 1,30,000 टन पत्थर का प्रयोग हुआ है। इतने विशाल मंदिर को बनाने में 7 वर्ष लगे थे। आखिर कितने लोगों को इस काम में लगाया गया था और टेक्नोलॉजी भी इस जमाने में कैसी थी कि निर्माण इतने कम समय में हो गया। आज सिर्फ ताजमहल की बात हो रही है, इतने वर्षों से इतना अद्भुत अविश्वसनीय निर्माण कैसे हुआ होगा और इतने कम समय में इतनी जल्दी बना मंदिर, अद्भुत है। यह मंदिर बहुत सारे भूकंप का भी सामना कर चुका है, प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर चुका है, आक्रांताओं के आक्रमण, जो उन्होंने बहुत तोड़ने का भी मंदिर को प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं रहे। मंदिर के अंदर गोपुरम में स्थापित नंदी की विशाल मूर्ति भी एक अनोखा आश्चर्य है। नंदी की यह मूर्ति 16 फीट लंबी
8.5 फीट चौड़ी और 13 फीट ऊंची है, जिसका वजन 20,000 किलो है। खास बात यह है कि मूर्ति को एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। ये भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। बृहदेश्वर मंदिर का ज़्यादातर भाग कठोर ग्रेनाइट पत्थर व बाकी हिस्सा सैंड स्टोन की चट्टानों से बनाया गया है। ग्रेनाइट पत्थर का सबसे समीपवर्ती स्रोत मंदिर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतनी लंबी दूरी से इतनी बड़ी मात्रा में इतने विशाल आकार के पत्थरों को मंदिर निर्माण स्थल तक कैसे लाया गया, ये आज तक रहस्य है। मंदिर के आसपास कोई पहाड़ भी नहीं है जिससे पत्थर लिए जाने की संभावना हो। ग्रेनाइट की चट्टानें इतनी कठोर थीं कि उन्हें काटने छेद करने के लिए खास हीरे के टुकड़े लगे औजार का प्रयोग करना होता है। उस कालखंड में बिना आधुनिक औजारों के मंदिर में लगी चट्टानों को कैसे तराश कर महीन कलात्मक मूर्तियां बनाई गई होंगी, यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है। मंदिर में खुदे हुए लेखों से पता चलता है कि बृहदेश्वर मंदिर में प्रतिदिन जलने वाले दियों के लिए घी की अबाधित पूर्ति हेतु सम्राट राजराज ने मंदिर को 4,000 गायें, 7,000 बकरियां, 30,000 भैंसियों और 2,500 एकड़ जमीन दान की थी। मंदिर व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए सैकड़ों कर्मचारी सेवा में रखे गए थे। भारत के इस महान बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक भी लोगों को पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, किस प्रकार से यह अद्भुत मंदिर बना और आज भी खड़ा है। इसके अलावा सरस्वती महल पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में पांडुलिपियों का महत्वपूर्ण संग्रह है। इसकी स्थापना 1700वीं ईस्वी के आसपास की गई थी। इस संग्रहालय में भारतीय और यूरोपियन भाषाओं में लिखी गई 44,000 से ज़्यादा ताम्रपत्र और कागज़ की पांडुलिपियाँ देखने को मिलती हैं। इनमें से 80% से अधिक पांडुलिपियाँ संस्कृत में लिखी हैं। कुछ पांडुलिपियाँ तो दुर्लभ हैं। इनमें तमिल में लिखी औषधि विज्ञान की पांडुलिपियाँ हैं। महल सुंदर और भव्य इमारतों की श्रृंखला में से कुछ का निर्माण नायक वंश ने 1550 के आसपास कराया था और कुछ का निर्माण मराठों ने कराया था। दक्षिण में 8 मंजिला गुडापुरम है जो 190 फीट ऊंचा है। इसका प्रयोग आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किया गया था। गुडापुरम के आगे महल की छत पर मडा मलगाई नामक इमारत बनाई गई थी जो 6 मंजिला है। तंजावुर में एक रॉयल संग्रहालय भी है। तंजावुर तमिलनाडु का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है। इस संग्रहालय में पल्लव, चोल, पांड्या नामक नायक कालीन पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह है। एक अन्य दीर्घा में तंजौर की ग्लास पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। लकड़ी पर बनाई गई इन तस्वीरों में रंग संयोजन बहुत ही सुंदर है। शिवगंगा किला, इस किले का निर्माण नायक शासक सेवप्पा नायक ने 16वीं शताब्दी के मध्य में कराया था। 3500 एकड़ में बने इस किले की दीवारें पत्थर की बनी हैं जो संभवतः आक्रमणकारियों से बचाने के लिए की गई थी। किले में स्थित वर्गाकार शिवगंगा कुंड शहर में पीने की पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था। इस किले में बृहदेश्वर मंदिर, स्वर्ण चर्च और सार्वजनिक मनोरंजन पार्क भी है। तो यह था तंजौर का दर्शनीय स्थल बृहदेश्वर मंदिर। कभी जाने का प्रोग्राम जरूर बनाइए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।